الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبة درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله میں اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا عہدہ جو رکھا ہے وہ مرتبہ وہ عہدہ نبوت کا مرتبہ ہے دنیا میں کوئی لاکھ سر پٹکتا رہے جو کچھ بھی کرتا رہے نبی صرف وہی ہوا کرتا ہے جسے اللہ نبوت عطا فرمایا کرتا ہے صرف نبوت ہی نہیں اس کا حصول تو ویسے ہی محال ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے غلام صحابہ کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ ساری کائنات بھی آج مل جائے ایک صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچا جا سکتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے آپ کے زندگی کے 40 سال گزرنے کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس اعلان نبوت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک جس نے حالت ایمان میں سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے ایسے اہل ایمان صحابہ کہلاتے ہیں آج دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بھی بڑے بڑے مرتبے والے بھی غوث قطب ابدال بھی نظر آتے ہیں ساری دنیا مل جائے جس نے حالت ایمان میں سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے ایک سجدہ ایک نماز بھی پڑھنی نصیب نہیں ہوئی دعا
दुनिया के सारे इबादत गुजार भी मिल जाएं तो उस सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो नेमत अता फरमाई है जिसे दीदार मुहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم, वो लोग जो रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता हो गए, अशिद्दाउ अलल कुफार, वो कुफार पर बड़े सख्त नजर आते हैं। रुहमाउ बैनहुम, और जब आपस में उन्हें देखा जाए तो एक दूसरे के लिए जाने कुर्बान करते नजर आया करते हैं। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इनको अल्लाह ने ईमान का वो मर्तबा अता फरमाया जो कायनात में किसी और के हिस्से में ना आ सका है। एक दिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके साहबजादे आपसे कहने लगे, अब्बा जान मैदाने बदर में, ये साहबजादे अभी मैदाने बदर के वक्त इस्लाम कबूल न किया था, ये बाद में मुसलमान हुए। कहने लगे, अब्बा जान मैदाने बदर में मैं मक्का वालों की तरफ से, कुफार की तरफ से लड़ने के लिए आया था, और बदर के मैदान में आप कई मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए थे, मैं चाहता तो आपको दुश्मन समझकर कत्ल कर देता, लेकिन मैंने अपने अब्बा को देखा। कहने लगे, अब्बा जान आपको देखा तो तलवार को मैंने रोक लिया, अपना हाथ रोक लिया। आप कई मर्तबा मेरे हमले की जद में आए, मैंने अपनी तलवार को रोक ली, आपको कुछ ना कहा। अब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने इरशाद फरमाया, बेटा अगर तू बदर के मैदान में एक मर्तबा भी मैं अबू बकर की तलवार के नीचे आ जाता, मेरी जद में आ जाता, फरमाया मैं अपने बेटे का लिहाज न करता, मुस्तफा का दुश्मन समझकर तेरा सर तन से जुदा करता चला जाता। कुरान में अल्लाह फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफार, ये नबी के गुलाम कुफार पर बड़े सख्त नजर आते हैं। रुहमाउ बैनहुम, और जब इन्हें आपस में देखो, जब एक दूसरे के साथ देखो तो भाईचारे और अखुव्वत की दुनिया की आला तरीन मिसाल नजर आया करते हैं। एक दूसरे के लिए तो निगाहें फर्श पे बिछाते हैं, एक दूसरे के लिए तो अपने दिल को फर्श पे बिछा दिया करते हैं। नबी के गुलाम तो वो गुलाम हुआ करते हैं, अंसार सहाबा जो मदीना तय्यबा में तशरीफ फरमा थे, मुस्तफ़ा के साथ मक्का से हिजरत करके जो लोग आए, अंसार सहाबा ने नबी के एक इशारे पर अपना आधा माल अपने मुसलमान भाइयों को अता कर दिया। और किसी के पास रहने को मकान था, दो मकान थे तो एक मकान अपने भाई को दे दिया, अगर एक ही मकान था तो मकान के दरमियान में दीवार करके आधा मकान अपने भाई को अता कर दिया है। अल्लाह फरमाता है रुहमाउ बैनहुम, और जब तुम इन्हें आपस में देखो तो बड़े प्यार और मोहब्बत से रहने वाले नजर आया करते हैं। तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि वरिद्वाना, अल्लाह फरमाता है जब तुम इन्हें देखते हो, ये अल्लाह की बारगाह में नबी के सहाबा रुकान सुज्जदन रकू करते हैं, सजदे करते हैं, हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, रब को याद किया करते हैं।
अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन आपके बारे में कुतुब में ये जिक्र मौजूद है कि आपको देखा गया, आपके रुखसार पर दो लाइनें पड़ी हुई थी, दो निशानात पड़े हुए थे। सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इतना रोते, रब को इतना याद करते थे, रकू और सुजूद में वो लज्जत अता होती थी कि रोते रोते अमीरुल मोमिनीन के रुखसार पर आंसुओं से लाइनें पड़ गई थी। और ये वो नबी के गुलाम सहाबा है, जब इनका ताल्लुक बिल्ला देखा जाता है, रब के साथ ताल्लुक देखा जाता है, तो कायनात में कोई दूसरा ऐसा अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने वाला नजर नहीं आया करता है। अल्लाह फरमाता है, यबतगून फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना, वो हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, उसकी रजा हासिल करते हैं, अल्लाह के फजल के मुतलाशी रहते हैं। फुजाला नामी एक नौजवान उसका किसी औरत के साथ याराना था, वो रोजाना आता अपने महबूब की गली से गुजरता। अब वो औरत जिसके साथ ताल्लुक था ऊपर मकान की छत पे या खिड़की में होती, रोजाना उसे देख के गुजर जाता, अपने शौक की प्यास बुझाता। इसी में वक्त गुजरता रहा। एक दिन ये नौजवान फुजाला बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ, नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुआ। अब वो रास्ता घर का वही जिससे रोजाना गुजरता है, रास्ता घर का वही है, घर वापस जा रहे हैं, फुजाला की निगाहें जमीन पर झुकी हुई हैं, फुजाला की निगाहें नीचे झुकी हुई है। वो उस औरत के मकान के करीब से गुजरे, मकान के पास से गुजरे, वो देख रही है, आज फुजाला ने मेरी तरफ देखा नहीं, निगाहें उठा के नहीं देखा, निगाहें ऊपर नहीं की, पास से गुजरने लगे, गुजरे तो वो पीछे से पुकार के कहती, फुजाला आज तुझे क्या हो गया, आज मेरी तरफ नहीं देखोगे, निगाहें नीची है, नबी का गुलाम है, आज नबी की गुलामी में आए हैं, अल्लाह ने सहाबियत का मर्तबा अता किया है। वहीं से पुकार के कहने लगे, अब इन निगाहों में जमाल बस गया है तो जमाल मुहम्मद मुस्तफा बस गया है, अब ये निगाह कायनात में किसी और के चेहरे की तरफ उठा नहीं करेगी। अब तब न फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना, और ये तो हर वक्त अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह का फजल तलाश करते हैं। और पूछे उस मर्दे कलंदर से जिसे दुनिया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद कहा करती है रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बैठे होते, जिस पर निगाह डालते, जिस दीवार पर निगाह डालते और जिस पत्थर पर निगाह डालते, वहां पर लफ्ज़े अल्लाह लिख दिया करते थे, निगाहों की बरकत से वहां पर लफ्ज़े अल्लाह नक्श हो जाया करता था, इसीलिए आपको नक्शबंद कहा जाता था। और ये तो एक अल्लाह वाला हो, इसकी निगाहों में वो कमाल है, जहां निगाह डाले वहां लफ्ज़े अल्लाह नक्श कर दिया करता है, और जिस जात के कदमों के सदके अल्लाह विलायत का नूर बांटा करता है, जब उस निगाह मोहम्मद मुस्तफा ने फुजाला के जिस्म को पाक किया है, इस दर्जा पाक कर दिया है, कायनात में लाखों वली भी मिल जाए, अब फुजाला के कदमों की खाक को नहीं पहुंचा जा सकता। अल्लाह फरमाता है, यबतगून फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना, ये नबी के गुलाम तो हर लम्हा अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, और ये तो हर वक्त जिंदगी का कोई भी मामला हो, कोई भी लम्हा हो, और ये तो अल्लाह का फजल तलाश करते नजर आते हैं। वो फजल वो कैसे तलाश करते हैं, कैसे फजल के पीछे जाते हैं, रब का फजल इन्हें कहाँ से मिलता है, कहीं और से नहीं मिला करता। और ये बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं, अल्लाह अपना फजल इन्हें अता फरमा दिया करता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान बदर में तशरीफ फरमा है,
आप लाइनें दुरुस्त करवा रहे हैं, जंग का में वक्त हो गया। मैदान जंग में सहाबा की सफ़ें दुरुस्त करवा रहे, अब वो वक्त तो ऐसा है, पूरी सवारियां भी पास नहीं, किसी के पास तलवार है तो किसी के पास नहीं। नबी करीम के हाथ मुबारक में एक टूटा हुआ तीर या छड़ी थी, लाइनें दुरुस्त करवा रहे, एक सहाबी अपनी लाइन से दो तीन कदम आगे निकले हुए। नबी करीम जब उनके पास पहुंचे तो आपने हाथ में पकड़े हुए तीर से, छड़ी से, उनके पेट पे उस तीर को मारा, छड़ी को मारा, और मार के फरमाया, इस तवे या सवाद सवाद लाइन में हो जाओ, अपनी लाइन को दुरुस्त करो। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उस लश्कर के कमांडर थे, लाइनें दुरुस्त करवा रहे थे, सवाद को छड़ी लगी, आप आगे बढ़े। हजरत सवाद ने पीछे से नबी करीम का दामन थाम लिया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ऐसे बात नहीं बनेगी, आज आपसे मैं बदला लूंगा। किस बात का बदला चाहते हो? जी, आप दुनिया में अदल इंसाफ के लिए तशरीफ लाए, आपने मेरे पेट पे छड़ी मारी, मुझे तकलीफ हुई, मैं इसका बदला चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने वो टूटा हुआ तीर या जो वो छड़ी थी सवाद के हाथ में पकड़ा दी और कहा, सवाद लो अपना बदला ले लो, मैं मुहम्मद के पेट पे छड़ी मारकर अपना बदला पूरा कर लो। हजरत सवाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदला ऐसे तो पूरा नहीं होगा, बराबर की बात नहीं होगी, मैं आपका गुलाम हूं, मेरे तन पे कुर्ता नहीं है, मेरे जिस्म पर ऊपर वाला हिस्सा जिस्म का बगैर कपड़े के है, आका आपने तो अपने तन पे कुर्ता पहना हुआ है, आपके जिस्म पर कपड़ा है, मेरा पेट तो बगैर कपड़े के था, आपने छड़ी मारी, मैं कपड़े के ऊपर से छड़ी मारूंगा, बदला पूरा नहीं, अपना कुर्ता उठा दीजिए, इसे उतार दीजिए, जैसे मेरा जिस्म बगैर कपड़े के था, मेरा पेट बगैर कपड़े के था, वैसे ही आपके पेट पर मैं छड़ी मारूंगा तो बदला पूरा होगा। अल्लाह के नबी ने जरा तवक्कुफ नहीं फरमाया, सवाद की बात सुनी तो फौरन कपड़ा ऊपर उठाया, फरमाया, सवाद अपना बदला ले लो। जैसे ही नबी करीम ने जिस्म से कपड़ा मुबारक हटाया, अब सवाद छड़ी फेंक कर, वो टूटा हुआ तीर नीचे फेंक कर मुस्तफा के जिस्म से लिपट जाते हैं, नबी के जिस्म को बोसे देने शुरू कर देते हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, सवाद क्या कर रहे हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैदान बदर है, इसमें मुझे अपनी शहादत नजर आ रही है, और कल को अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, और सवाब दुनिया से क्या लेके आए हो? अर्ज करूंगा, रब्बल आलमीन, कोई नेक अमल मेरे पास नहीं है, एक नेमत है, आते वक्त तेरे मुस्तफा के जिस्म को बोसे दे के आया। अल्लाह फरमाता है, यबतगून फदलम मिनल्लाहि वरिदवाना, और ये हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, और इनको देखो रब की रजा में मगन नजर आया करते हैं, रब की रजा के मुतलाशी होते हैं, और कायनात में बड़े बड़े दीवाने नजर आते हैं, लेकिन जो नबी के दीवाने नबी के सहाबा है, कायनात में इन जैसा दीवाना भी नजर नहीं आया करता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात आप अल्लाह की बारगाह में गए, वापस आए, सुबह आपने ऐलान फरमाया, फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो ज़ात जो रातों रात मुझे ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब उस दौर में, उस वक्त में, वो कमोबेश 40 दिन का सफर जाने का और 40 दिन आने का सफर है। उस दौर की सवारी और तकाजे के मुताबिक आपने फरमाया, रातों रात, पूरी रात में नहीं, रात के कुछ हिस्सा में अल्लाह की जात मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए।
कई माह का सफर आने जाने का एक रात में कैसे हो गया। अबू जहल ने यह बात सुनी, ख्याल और मंसूबा बनाने लगा, आज वक्त है कुहाफा के बेटे अबू बकर को मैं तोड़ लूंगा, उन्हें दीने इस्लाम से फिसला दूंगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप किसी काम से मक्का शहर से बाहर थे, वापिस आए तो रास्ते में अबू जहल खड़ा मिल गया, कहने लगा, ए अबू बकर, तुम कहते हो तुम्हारे नबी ने कभी झूठ बोला नहीं। फरमाया, जो अल्लाह का नबी हो झूठ उसकी जुबान पर आया नहीं करता। मुस्तफा की जुबान से हुक्म जारी हो जाए तो अल्लाह चांद को दो टुकड़ों में बदल दिया करता है। तो जुबाने मुस्तफा पे सारी कायनात का निजाम बदला जाया करता है। बहरहाल वो अबू जहल कहने लगा, आज तुम्हारे यार ने झूठ बोला है। क्या बात कही है? जी वो कहते हैं, मैं रात के कुछ हिस्सा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से वापस भी आ गया। अब वो कहने लगा, अबू बकर बताओ, ये कई माह का सफर है आने जाने का, ये कैसे मुमकिन है कोई इंसान जाए भी वापस भी आ जाए। अब अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के कहने लगे, कैसी बात करते हो, मेरा नबी अगर कह दे मैं रात के हिस्से में अल्लाह के पास गया वापस आया, अबू बकर इसे मानने को तैयार है। वो अबू जहल जो अकल का गुलाम था वो कहने लगा, अबू बकर कैसे मानते हो, कैसे तस्लीम कर लोगे कि वो रात आसमानों पे गए वापस भी आ गए, कैसे ये सफर मुमकिन हुआ। मुस्कुरा के फरमाया, अगर नबी का गुलाम जिब्रील रोजाना एक दो नहीं कई मरतबा सिदरतुल मुंतहा से बारगाह मुस्तफा में आ सकता है, अगर एक दिन मालिक के जाने को जी चाहे तो कौन सी बड़ी बात है। अगर गुलाम की ये ताकत हुआ करती है तो मालिक की ताकत तो इससे बुलंदो बाला नजर आया करती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यब तगून फदलम मिनल्लाह वरिद्वाना, नबी के जो सहाबा हुआ करते हैं और जिंदगी का कोई भी मौका हो कोई भी गोशा हो और ये हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, रब की रजा के मुतलाशी नजर आते हैं, फिर इनके चेहरे कैसे होते हैं, सीमा हुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, इनके चेहरे को देखा जाए तो वहां पर सजदों का अल्लाह के नूर का असर नजर आया करता है। और ये तो रब को याद किया करते हैं, रब को इस दर्जा याद किया करते हैं कि कायनात में कोई ऐसा रब को याद करने वाला नजर नहीं आया करता है। हाँ, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा है जिनको अल्लाह ने ईमान का वो मर्तबा अता फरमाया, ईमान की वो दौलत अता फरमाई। कायनात में आज सारी दुनिया भी मिल जाए, सर सजदे में रख दिया जाए, सर सजदे में रखकर जब तक जिंदगी है कयामत कायम होने तक सारी कायनात मिलकर अल्लाह को याद करती रहे, आंसू बहाती रहे, रब की इबादत होती रहे, फिर भी नबी के एक गुलाम सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंचा जा सकता है। ये वो पाक लोग हैं, वो नफूसे कुदसिया है जिनके मुकद्दर में अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत सबसे बड़ी सआदत लिख दी है। वो नेमत और सआदत क्या है? इन्हें अल्लाह ने सर की आंखों से जमाले मुस्तफा अता कर दिया है। ये वो नेमत उज़्मा है जिन खुशनसीब लोगों के हिस्से में आ गई, कायनात में अल्लाह ने उन्हें बुलंदो बाला और मुमताज और सरफराज कर दिया है। आइए आज अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सब को अहले ईमान को नबी के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखरु दावाना।